चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो बारह जुलाई बोलते ना, तो खैर हाँ ये तो टेंडेटिव है, लेकिन बारह लेख दो दिन में आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे, इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए, और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रैटेजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिट को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे, एक एक होकर एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। मैंने मीटिंग में भी कहा ये विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं, हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो शुरुआत हुई है निश्चित रूप से ये एक देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, मेरा ये मानना है, और एक ईमानदार और एक संकल्पित सोच के साथ आगे बढ़ा जाए तो हर मंजिल पाया जा सकता है, हर लड़ाई जीती जा सकती है। तीन चीज नजदीक में है जो रिजोल्व हुआ है। नंबर वन, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पेट्रियोटिक है, हम भी देशोप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं, मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं, ऐसे हम लोगों ने ये तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसिटेबल क्या नहीं किया, हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके, जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का,
देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे, यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आप पूरी तरह से फिट हो गए हैं, आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी भाजपा को, और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खुल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में घूम घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं, अमेरिका में जाके जो अमेरिका यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी और यूरोपीय लोगों को भी मना कर दिया था कि कोई मत जाना, भारत में मत जाना कोई आदमी, कोई टूरिस्ट नहीं जाना। बाद में पता नहीं कैसे ये लोग भूल गए और ये जाने लगे। देश टूट के कगार पर खड़ा है। हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते हैं, भिंडी सब्जी मालूम हुआ कि 60 रुपया किलो हो गया भिंडी। आप पत्रकार लोग खरीदते होंगे, आपको आटा दाल का चावल का भाव मालूम होगा कि क्या हालत है, बेरोजगारी से हताशा बढ़ा है और कोई इस देश में हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके लड़ाई लड़के हनुमान जी का नाम लेके चुनाव में जय हनुमान जी करके ये लोग चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा इनके पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता, हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए और हम लोग इकट्ठा सब कोल रील नल लील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं, उनके फौज को और इनको इस बात तक तय है गए ये लोग। बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का नरेंद्र मोदी का। बताइए ये काहे फिर 2000 रुपया का नोट पता नहीं काहे बंद कर दिया भाई, 2000 का ये छोटा छोटा नोट जो है सो यही लोग रखे हुए था और इसको अब निकाल रहा है या जो इसके लोग ने 1000 का खत्म करके 2000, हाँ 1000 खत्म करके 2000 शुरू किया, 2000 किया, ऐसा नहीं कौन फेल करता है। तो हम लोग इकट्ठे हैं पूरा मजबूती के साथ, राहुल गांधी जी आए हैं, राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में, घूम रहे तो उस बात है ना अपना ही बढ़ा दिए। हाँ तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए, बढ़ा लिए हैं अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और
अभी भी समय गया बीतता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराते चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको कह दिया तो एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलते थे कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप।